तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप कंप्यूटर में अपने नाम चेंज कैसे करते हो, नाम या नंबर कैसे डाल सकते हो। आपका कंप्यूटर नया है या किसी से ख़रीदा है, तो इसे में आप अपना नाम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे आप डालोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद आप पासवर्ड खोल लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर पर ओके करेंगे और आप पासवर्ड खोल लेंगे। पासवर्ड खोलने के बाद आप जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप जाएंगे कलेक्शन पॉइंट में। कॉन्फ़िगरेशन में ओके करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे कलेक्शन पॉइंट में आ गए। कलेक्शन पॉइंट में ओके करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नाम पड़ा हुआ है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। इसके लिए कीपैड की ज़रूरत पड़ती है, तो कीपैड में डिलीट का ऑप्शन आता है, आप उसे डिलीट कर सकते हो और अपना नाम डाल सकते हो। यहाँ पर ओके करोगे, जितना भी नाम डालना चाहो, नंबर डालना चाहो, इसमें नंबर दो पड़े हैं, तो इस तरह से आप ओके कर दोगे। ओके करने के बाद यहाँ पर कॉपेंट पॉइंट बना रहा है, तो ये आपको बना रहना है, इसको आपको काटना नहीं है, आपको इसे बना रहना देना है। इस तरह से आप अपना नाम ऐड कर सकते हो। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि नाम फीड है, आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हो। जाएंगे हम डाटा मैनेजमेंट में ओके करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम मैनुअल एंट्री में जाने के बाद आप मिक्स में चले जाइए। मिक्स में जाने के बाद ओके करिए। ओके करने के बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए 65, ये मिल्क फेड में आप लिखिए 65, मिल्क आइसनप में आप लिखिए 900 और ओके कर दीजिए। इस तरह से आपकी पर्ची भी निकल आएगी। अब पर्ची में आप चेक कर सकते हो कि आपको मिक्स में कितने रेट पड़े हैं, बफेलो में कितने रेट पड़े हैं और आपकी पर्ची भी जो आपने नाम डाला है वो ऐड हुआ है कि नहीं। इस तरह से आप देख सकते हो कि नाम ऐड कर सकते हो। और जो रेट इसमें 46 के पड़े हैं तो आप देख सकते हो। इस तरह से आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।